परासिया में यूथ कांग्रेस अंकुश जायसवाल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला फूंका गया और तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि माता सीता पर टिप्पणी के लिए शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के माता सीता पर टिप्पणी करने के बाद वे विवादों में घिर गए हैं। उनका विरोध करते हुए युवा कांग्रेस नेता अंकुश जायसवाल के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जैसे लोगों ने माता सीता के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की है, जो बहुत निंदनीय है। माता सीता के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने वाले उच्च शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार के ऐसे मंत्री जो राम के नाम पर सत्ता में आए और माता सीता का अपमान किया, ऐसे मोहन यादव के खिलाफ उनका पुतला दहन किया कि किस तरीके से ये भगवान राम के नाम को लेकर के उनका राजनीतिक उपयोग करते हैं, हम इसको भी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन हम माता सीता का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि उन्हें पदच्युत किया जाए। माता सीता का अपमान करने वाले मंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया गया और युवक कांग्रेस मोहन यादव का लगातार विरोध करेगी। जब तक मोहन यादव पद से नहीं हटाया जाता, युवक कांग्रेस विरोध करेगी, क्योंकि आपने देखा कि भाजपा के मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कटनी को तरह-तरह भाजपा करती है। माता सीता का जो अपमान भाजपा ने किया, उसका परिणाम उन्हें 2023 में भुगतना पड़ेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।